नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी जाकुराई शार्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने मैक्रम की एक हैंगिंग टेबल बनाई थी। आज उसी टेबल पे हम मंदिर डेकोरेट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैक्रम की ये टेबल बनाई थी, आज हम इस पे मंदिर डेकोरेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हमें जो भी इस पे मूर्ति या फोटो रखनी है वो चाहिए। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल या फ्रेश फ्लावर्स चाहिए, डेकोरेटिव दिए और रोली चावल के लिए कंटेनर और एक कलश, एक ये ग्लिटर झालर और ये ग्लिटर पर्दा। सबसे पहले इस ग्लिटर कर्टन को हम इसके पीछे हैंग करेंगे। कर्टन हैंग करने के बाद अब इसकी डोरियों पे ये झालर लपेटेंगे। झालर लपेटने के लिए हम इसके ऊपर बस इसको ऐसे ही लपेटते जाएंगे, ना बहुत ज्यादा दूर ना बहुत ज्यादा पास। इसी तरह हम चारों डोरियों में ये लपेट लेंगे। अब इसके बाद इनको हल्के से इस पे स्टिक कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि दोनों डोरियों के एकदम सेंटर में स्टिक हो ये। अब इसके बाद हम इसके ऊपर सबसे पहले जो हमको मूर्ति या फोटो रखना है वो रखेंगे। आपको एक रखना है तो आप एक रख सकते हैं या एक से ज्यादा भी रख सकते हैं। एक साइड इसमें ओम रख देंगे, उसके बाद इसमें फ्लावर्स लगाएंगे। और फिर रोली चावल रखेंगे और उसके बाद ये। आप ये रोली चावल और दिए अपने हिसाब से रख सकते हैं। रोली चावल अगर आपको परमानेंट नहीं रखना तो वो आप हटा भी सकते हैं, और अगर रखना चाहें तो इसमें दोनों साइड रोली चावल रख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें ऊपर कलश रखेंगे। इस कलश का साइज आप अपने हिसाब से थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस खूबसूरत मैक्रम की टेबल को हमने एक ब्यूटीफुल मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। एक बिल्कुल सिंपल लेकिन बहुत खूबसूरत हैंगिंग टेम्पल तैयार है। बहुत कम सामान में और बहुत जल्दी बनने वाला टेम्पल है ये। बहुत सोबर सिंपल लेकिन बहुत खूबसूरत टेम्पल तैयार हो गया। ये डेकोरेशन आप रूटीन में भी रख सकते हैं और ओकेजनली भी यूज कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि इस मैक्रम की हैंगिंग टेबल को हमने कितने सुंदर मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। इस मंदिर को आप परमानेंट अपने कमरे के कॉर्नर में रख सकते हैं या हैंग कर सकते हैं, और आप चाहें तो ओकेजनली भी इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो आप इस पे मंदिर डेकोरेट कर लें, जब जरूरत हो तो आप इसको टी टेबल में कन्वर्ट कर लें, या फिर आप इस पे शोपीस भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए दिवाली क्राफ्ट के साथ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन पे क्लिक करिए, और अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय।
लाइक शेयर सब्सक्राइब।